यस हाय अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि हमने आपको टीवी में देखा है, बिग बॉस में देखा है, तो काफ़ी टाइम बाद अब नज़र आ रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फैंस को, ऑडियंस को, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है अभी आपके लाइफ में? मैं बहुत अच्छा हूँ गाइस। अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, बट बहुत जल्दी बहुत कुछ चलेगा और आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा। यस अंकित, जैसे आपने उदारिया किया है, जुनूनियत किया है, फिर काफ़ी जैसे बालिका वधु किया है, तो अभी आजकल जैसे आजकल का जो जनरेशन है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी ऑडियंस मतलब एडवांस हो चुकी है, और आप किस तरीके का, जैसे अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी लोग एक्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है, प्लेटफॉर्म्स है, तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको किस तरीके का रोल चाहिए, या आपको TV ही करना है या OTT प्लेटफॉर्म्स करना है, क्या है आपका चॉइस? मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड कैरेक्टर्स, बीट TV, बीट OTT, बीट फिल्म्स, कैरेक्टर्स जहाँ पे आई कैन इम्प्रूव माई क्राफ्ट, आई कैन शो माई टैलेंट, आई कैन पुश माई बाउंड्रीज, ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं, बी इट नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, व्हाटएवर। मेरा ऐसा कुछ सेट पैरामीटर नहीं है कि मुझे OTT ही करना है या मुझे कोई TV ही करना है, व्हाटएवर आई फील जो सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आई वॉन्ट टू डू दैट। ओके अंकित, जैसे आपका नेचर एकदम काम है, एकदम कामनेस जैसे आपके फेस पे भी वो नज़र आता है, तो अगर आपको ऐसे कुछ वॉयलेंस वाला कैरेक्टर दे दिया जाए तो वो आप कैसे मैनेज करोगे करना, क्योंकि हम जब रियल लाइफ में वैसे होते तो उस कैरेक्टर को पूरा अपनाना और उस कैरेक्टर को पूरा प्ले करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स माई जॉब टू डू समथिंग विद फुल कन्विक्शन एंड मेक इट बिलीवेबल, एंड आई थिंक that's what works for me. जो भी मैं करता हूँ, जो भी कैरेक्टर करता हूँ, फुल कन्विक्शन से करता हूँ, एंड आई हैव डन नेगेटिव रोल्स इन पास्ट एंड दैट हैव बीन अप्रिशिएटेड, तो ऐसा कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वेन यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू नॉट वॉट यू आर इन योर रियल लाइफ, देर आर सम इनपुट्स फ्रॉम द कैरेक्टर, देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू डू फॉर योर कैरेक्टर एंड यू प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर, सो when you're in front of camera you're different. Okay, from 2012 to now 11-12 years ho chuke hai industry mein aapko, to kaisa lagta hai, kya feel hota hai, kya cheez aapne kamaya hai, ek bond to aapne kamaya hi hai, uske bare mein hum baad mein puchhenge aapse, kya lagta hai, matlab kaisa feel hota hai aapko overall, kyunki kafi experience ho chuka hai aur lockdown bhi aaya tha uske baad se kafi cheeze change hui hai, kya kehna chahenge? बहुत अच्छा फील होता है, एंड आई थिंक जो मैंने सबसे ज़्यादा कमाया है वो लोगों का प्यार कमाया है, शायद इतना मिल गया है जितना कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर भी आ जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल जो एक्सपेक्टेशन अब लोगों की आपसे बन गई है उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए, उस उन उम्मीदों पे खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, मैं जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूंगा उससे लोग कितना सहमत करेंगे, बिकॉज व्हेन आई चूज़ एनी प्रोजेक्ट आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय लास्ट वन, तो कई बार हो सकता है मेरा ओपिनियन लोगों के ओपिनियन से मैच ना करे, जो मुझे पसंद आए वो उन्हें पसंद आए, तो वो थोड़ा सा वो रहता है कहीं ना कहीं, बट बहुत अच्छा लगता है, एंड बस ऐसे ही मिलता रहे प्यार। ऐसा होता है ना लाइफ में कि अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, कभी काल ऐसा होता है कि काम नहीं आता है, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं आते, हम बहुत ट्राई करते हैं, फिर काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है, नेगेटिव थॉट्स भी आते, तो उसको आप कैसे डील करते हो? मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, मैं आई ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, जो अभी है उसमें खुश रहने की कोशिश करता हूँ, जब काम होता है तो शूटिंग पे खुश रहता हूँ, जब काम नहीं होता है तो अपने घर पे रिलैक्स करता हूँ या सिनेमा देखता हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, तो हो जाता है मैनेज। ओके प्रियंका के बारे में बात करते हैं, जैसे उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है आपको उनको लेके कि
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या इंगेजमेंट करें, कब शादी करें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये सब चीज़ तो बाद में, सबसे पहले जो फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड जो आप लोग शेयर करते हो, आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी खासियत है जो इस रिश्ते को अभी तक मतलब आप लोग जोड़ के रखे? खासियत शायद ये है दैट वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, वी बोथ हैव दैट अंडरस्टैंडिंग टू नो एंड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट इट इज एंड वी डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर एंड प्रॉब्ली वी बोथ आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनी अदर थिंग, मे बी दैट्स वर्किंग फॉर अस। लेकिन अगर कभी ऐसा रहे कि फ्यूचर में साथ रहने का या मैरिज करने का, तो फिर क्या लगता है आप साथ में रहेंगे? अभी ऐसे डिसीजन नहीं है बट फ्यूचर का आगे जैसे आप सोचते नहीं हो, बट फिर भी थोड़ा कुछ ऐसे आपके दिमाग में? फ्यूचर का तो वक्त ही बताएगा ना। आई मीन सी, चीज़ें अगर ऑर्गेनिकली हो तो ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप किसी की बातें सुन के या कुछ भी सोच के फोर्सफुली कुछ चीज़ें करो, वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो जहाँ पे हम हैं अभी वी आर वेरी हैप्पी, और अगर कुछ आगे होना होगा तो ऑर्गेनिकली होने देते हैं उसको। तो आप पब्लिक करने के लिए रेडी है, मतलब जब अगर इफ वी आर देयर, सो आई एम नॉट समबडी हु विल हाइड। ओके, दैट्स ग्रेट। तो प्रियंका के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे आप हम देख सकते हैं, या कुछ ऐसे चीज़ें, गाने जैसे गाने? कुछ चीज़ें आती रहती है बट जो अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया जहाँ पे हम दोनों को कुछ ऐसा अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, या ना टू ब्रॉडन आवर कैनवस कुछ ऐसा मिले, वो अभी तक ऐसा नहीं है। एंड वी जनरली डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग फॉर द हैक ऑफ वर्किंग टुगेदर, सो इसीलिए अभी तक वो चीज़ें रुकी हुई है। जब कुछ ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिलेगी जहाँ पे दोनों कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होंगे, वी विल बी टुगेदर। ओके, बिग बॉस 17 कितना फॉलो कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे? बिल्कुल। अभिषेक को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं आप जी, तो आपको क्या लगता है बिग बॉस, जैसे इस बार का बिग बॉस काफ़ी इतना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और काफ़ी चीज़ें जैसे पहले आप जब थे वो सब इंटरेस्टिंग चीज़ें सब अपने कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर दिखाते हैं, आप हो या कोई भी हो, तो इसमें इतना लोगों को ये नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस टाइम के बिग बॉस में। तो अभिषेक है, विक्की है, अंकिता है, क्या लगता है आपको कौन मतलब बेटर प्लेयर है? तो भी जैसे आपने जितना आपने जाना है, बेटर प्लेयर तो आई डोंट नो यार, बट मैं जनरली चाहूँगा कि अभिषेक जीते और ट्रॉफी लेके आए। उनका एग्रेशन भी काफ़ी इस बिग बॉस में बहुत पॉइंट आउट किया, ये टॉपिक काफ़ी चले, तो आपको क्या लगता है वो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही है बाहर, और जो बिग बॉस में जो वो दिखा रहे हैं? बहुत इमोशनल है, और जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से अपना इमोशन निकालने की कोशिश करते हैं। एंड जब उसका जो भी इमोशन होता है वो इतना ही ज़्यादा होता है, जब वो दुखी होता है तो इतना ज़्यादा होता है, और जब किसी से प्यार करता है तो इतना ज़्यादा करता है, तो गुस्सा आता है तो गुस्सा भी उसका बहुत ज़्यादा होता है। ओके, रियलिटी शो में खतरों के खिलाड़ी है, तो अगर आपको मौका मिला तो वो करना पसंद करोगे, थोड़ा एडवेंचरस? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं तो इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी इज द ओनली रियलिटी शो आई वॉन्ट टू डू। ओके, लास्टली आपके फैंस को, ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? न्यू ईयर भी आ रहा है, न्यू ईयर के बाद कुछ आप उन्हें गुड न्यूज़ देंगे या क्या है, बता दीजिए अपने आप। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। बस ऐसे ही प्यार करते रहो, और मैं बहुत जल्द कुछ एंटरटेनिंग लेके आऊँगा, जैसे ही कुछ होगा आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगा। बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।